देना होगा, देना होगा, देना होगा। रैयत मोर्चा एक हो, एक हो, एक हो। रैयत विस्थापित एक हो, एक हो, एक हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुज्जू कोलियरी स्थित 15 जुआ के 9 प्राथमिक विद्यालय में रैयतों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एक कोर कमेटी बनाई गई, जिसमें संयोजक के रूप में 15 जुआ से पन्नालाल मुर्मू, मोरपा से बादल कुमार, कुज्जू से मुकेश महतो एवं सत्तीबेड़ा से बैजनाथ मांझी को बनाया गया। अब प्राथमिक विद्यालय में जो रैयतों का बैठक हुआ, इस बैठक में रैयतों द्वारा एक सहमति बना कि आए दिन कुछ लोगों द्वारा हमारे कोलियरी परियोजना में अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग सब रैयत एकजुट हुए हैं और मैनेजमेंट के खिलाफ भी हम लोग बहुत जल्द मोर्चा खोलने वाले हैं कि दलालों की बात सुनती है लेकिन रैयतों की बात नहीं सुनती है। हम लोग का शुरू से ही मांग था कि ज़मीन के बदले पहले नौकरी दें, पैसा दें, जो मुआवजा बनता है वो रैयतों को दिया जाए, उसके बाद यहाँ आउटसोर्सिंग का काम चालू करें। लेकिन कुछ दलालों के माध्यम से वो NOC लेने का भी काम कर रहे हैं और यहाँ जल्द से जल्द आउटसोर्सिंग का भी काम वो लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि रैयतों की जो सहमति बना है उसमें सहमति यही बना है कि अगर रैयतों का मान सम्मान और नौकरी पैसा का बात नहीं करता है मैनेजमेंट, तो उससे पहले हम लोग चाहेंगे कि रैयतों द्वारा ये आउटसोर्सिंग का काम रोका जाएगा। परियोजना पदाधिकारी को आज तक वो हम लोगों को ये नहीं कहा कि आकर के आप हम लोगों से वार्ता करने के लिए अभी तक नहीं बुलाए हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अभी तक बात भी नहीं किया है। और ना दूसरी बात, किसी भी चीज़ के लिए अपने लिए जैसे वन अधिकार नियम अधिनियम के तहत NOC का जब जरूरत पड़ा तो वो कभी भी अपने ज़मीन के लिए, हमारे ज़मीन के लिए ना वार्ता करने के लिए बुलाया है, ना हम लोगों को किसी भी तरह का बात सुनता है। यही चाहते हैं कि हम लोग का जो ज़मीन का जो पूर्ण ब्यौरा हम लोगों ने मांगा तो वो पूर्ण ब्यौरा भी हम लोग को नहीं दिया कि कहाँ से कहाँ तक लेना है और कितना लेना है, किस में काम करना है, अभी तक हम लोगों को नहीं बताया गया। कमेटी में एक हर जगह कुज्जू एक, 15 जुआ एक, मुरपा एक, सतीबेड़ा एक, सभी जगह पर सब सहमति से आदमी को जोड़ा गया, इसमें कोई विरोध नहीं हुआ और संयोग कमेटी में जोड़ा गया। हर क्षेत्र से 2-3 ऐसा करके कमेटी को जोड़ा गया। कौन कौन से क्षेत्र से लोग आए थे? मुरपा, 15 जुआ, कुज्जू, सतीबेड़ा क्षेत्र से आए हैं सभी लोग, रैयत लोग। और हम इस चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं उन लोग से और आपको भी हम अथी करते हैं कि वो सब आदमी 25 तारीख को आंदोलन किया, उनसे बाजू से पूछिए कि उनको कुज्जू कल परियोजना में कितना ज़मीन गया। अब रैयत हैं तो पेपर दिखाइए। नरेश मातू को हम पूछना चाहते हैं कि आपको कुज्जू क्षेत्र में कितना ज़मीन गया, उसको हम पूछिए आपको चैनल के माध्यम से कि आप ज़मीन गया है तो आप पेपर जमा करके रैयत को साथ आइए। परवीन मेहता जो भी है उनसे भी पूछिए कि उनको कितना ज़मीन इस क्षेत्र में गया है, उनको भी आप चैनल के माध्यम से पूछिए और सच्चाई लाइए। और सच्चाई ला के और प्रेस मीडिया में जो है धनेश्वर मेहता, उनसे भी पूछिए कि ये परियोजना में अब जमीन गया है तो आप पेपर जमा कीजिए और रैयत को साथ रहिए। आपको रैयत कोई विरोध नहीं करता है, किसी को रैयत को आपत्ति नहीं होगा, रैयत एक है। और मैं इस चैनल के माध्यम से उन लोग को बताना चाहता हूँ कि रैयत साथ मत छेड़ो, रैयत को मान सम्मान मिले, उसको अधिकार है वो अधिकार मिले। और बहुत ऐसा ज़मीन है CCL ले लिया है, उसमें नौकरी नहीं दिया है, नौकरी दे दिया है तो पैसा नहीं दिया है, है ना। और कुछ ज़मीन में दिया है, बहुत ऐसा ज़मीन है CCL परियोजना में, ज़मीन भी नहीं लिया है, पैसा दिया है उसको, ज़मीन उधर करके रखा है। कुज्जू से तरन्नुम के साथ रामदेव की रिपोर्ट।